हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यू न्यूज में। गाइस कहते हैं प्यार ना जात देखता है, ना मजहब, ना उम्र देखता है और ना ही दूरियां। लेकिन ऐसा जुनूनी इश्क ना सिर्फ प्रेमियों के लिए बल्कि आस पड़ोस और परिवार के लिए भी तमाम तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। और ताजा घटनाक्रम में ऐसे प्यार का मामला सामने आया है जिसमें एक भारतीय लड़की इस कदर इश्क का जुनून सवार हुआ कि वे अपना घर परिवार छोड़कर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाने की ठान ली। हालांकि शादीशुदा महिला को पंजाब में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पकड़ लिया है और जानकारी में बताया जा रहा है कि ये महिला ओडिशा राज्य से ताल्लुक रखती है, जो प्रेमी से मिलने के लिए अपना परिवार छोड़ जिला गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नामक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जा रही थी। वे ओडिशा से डेरा बाबा नानक कॉरिडोर पहुंच गई और इससे पहले कि वे अपने मंसूबों में कामयाब होती, बीएसएफ जवानों ने महिला कांस्टेबलों की मदद अपने कब्जे में ले लिया और डेरा बाबा नामक पुलिस को सौंप दिया। और जिस लड़के से इस महिला को प्यार हुआ है वे इस्लामाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद मान है। उसी ऐप के जरिए महिला और उसके प्रेमी ने व्हाट्सएप नंबर लिया था और फिर ढेर सारी बातें शुरू हुई। लड़की के पास से पुलिस ने 60 ग्राम सोने के जेवरात भी जब्त किए हैं, जो घर से पाकिस्तान लेकर जाने के लिए अपने साथ ले आई थी। और इसके बाद में पुलिस की तरफ से ओडिशा में संबंधित थाने के साथ ही संपर्क किया गया और पता लगा कि उसके पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और लड़की को पुलिस ने उसके परिवार को सौंप दिया है। गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।